अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तो सब खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू, हमेशा से ब्लॉग जो मेरा शुरू होता है वो बहू के काम से ही होता है। तो आज फिर यही काम है, एक बस गांव में मेन, बाकी मेन काम नहीं है, बाकी छोटे मोटे हैं। बहू साहब ये निपटा देते हैं, मैं इनको बच्चे खुआने आता हूँ, थोड़ी बहुत इनकी हेल्प कर देता हूँ कसम भाई की, बाकी कुछ नहीं। ये आपको नज़र आ रही है, ये इसको हमने फिल करना है, किससे फिल करना है ये आगे चल के आपको दिखाते हैं, इसको किससे फिल करना है और ये किसी को पहुँचानी है। तो अभी हम ये चारा वगैरह जो डाल लें इसको हवेली लेके जाना है, तो ये काम कर लो थोड़ा बहुत, ऐसा ना हो कि कसम भाई बोलें आए हो तो मोबाइल पे लग गए और कुछ काम नहीं कर रहे, तो कर लेते हैं। ये जी हवेली की तरफ जा रहा हूँ, उठाया हुआ दफ्तर और साथ कहने सांस तो बड़ा फूल जाता होता है, पता नहीं क्यों। अभी पहले हवेली जा रहे हैं, जो चारा उठाया हुआ बहू ने वो रखेंगे हवेली, और उसके बाद फिर जाएंगे इसको फिल करने। ये लगे हुए चारा काटने, बहू सब वो पहुंच गए, बहुत स्पीड है इनकी। वाले सब तो कहीं रेडी हुए हुए हैं, वो नज़र आ रहे हैं मुझे इधर से शायद आपको, ये देखो वाइट कपड़ों वाले, ये वाले सब कहीं जाने लगे मुझे लगता है, रेडी मेडी हुए हुए हैं वो सब, इधर पहुंच गए हैं। सही धूप निकली हुई है आज तो, आप देखें सर्दियां तकरीबन ख़त्म होने वाली हैं। वो सब वो हमने बांध ली है गठरी, इधर पड़े हुए थे ज़्यादा तो ये हमने गठरी बांध ली है, इसको रखेंगे बाइक पे और इसको लेके जाएंगे। चलो जी कसम भाई उठा लो, ले आओ, कुछ नहीं होता इतना, मैं इसको चलाता हूँ, इसको सीधा करता हूँ और आप ले आओ, शाबाश। इतना ज्यादा वजनी भी नहीं है, मुश्किल नहीं है। दुकान बंद है अभी, इधर से उसका नंबर लिया है मियाँ साहब का, उनको की है कॉल कि मियाँ साहब आ जाए, अब बोल रहे हैं तैयार आता हूँ, देखें अब कब आता मियाँ, कितना टाइम लगाता है, तब तक तो अब हम इधर इंतज़ार करते हैं। ये जी बहू साहब ले आए हैं, उधर टाइम लगना था, मैं चला गया था घर, अब बहू साहब इधर हवेली लेके आए, मैंने थोड़ी पीनी भी थी रो, तो ये गिलास एक बड़ा है तो और इसको पीते हैं हम, बड़ी मज़ेदार मीठी ठंडी ठंडी, बहुत मज़ा आया। आजकल मुझे लगता है सर्दी ख़त्म हो रही है, सही धूप लग रही है और इसमें भी गर्मी लग रही है, जैकेट जो पहनी हुई है ना इसमें लग रही है गर्मी है। बहुत सब पियेंगे वो, मुझसे सारा गिलास पिया नहीं गया, बहुत सब वो पियेंगे। तो आप बहुत सब नहीं जाएंगे क्योंकि आज जाना भी एकेडमी भी, वो कोरिया के फॉर्म हमने हैं जमा करवाए हुए थे, तो हम दोनों भाइयों का जो नाम है वो आ गया कुरानदाजी में, ना एक खिजर भाई का है और ना एक दूसरे लड़के का, तो उधर एकेडमी भी रखनी है, उधर भी जाना है स्टार्ट करने का। कासम भाई कल भी गए थे, मैं नहीं थक गया, तो अभी खिजर भाई को कॉल किया कि आओ चलें ये देख के आनी है उधर सर जुनेद को, तो अभी कॉल किया है खिजर को, आओ। वो स्टूडियो में लगे हुए थे वीडियो एडिट करने, तो मुझे बोल रहे थे कि 10 मिनट है, 10 मिनट तक मैं आता हूँ और फिर चलते हैं। अब 10 मिनट उनके खिजर भाई साहब के 10 मिनट बहुत लंबे होते हैं, अब देखते हैं कब आते हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, 2 घंटे बाद आ गए हो, आते ही गिलास पकड़ लिए। हाँ जी हैं, 10 मिनट बोले थे, कौन से 10 मिनट थे ये? मैंने तो बोला नहीं आपको कि इसको पियो, मैंने बोला ही नहीं पियो, वो ग्लास खुद ही पकड़ है, बल्ले हो बल्ले, चोरा नाल पंड काली उल्टा के, बाबू साहब ने उल्टाया था। बाबू साहब गाड़ी निकालो यार, उठाओ जी उठाओ, मलिक साहब आज वो रखो इधर पीछे जोर से, तुम किस लिए आ जाओ, बता दो देना था, आ जा कितने घंटे बाद आया है, सलाम कर रहा है मेरी ऑडियंस को, बैठ जा, ये बहुत हमेशा लेट है, आज नहीं हर दफा, इसका यही काम है,
कभी ये वक्त पे नहीं आया। वाटर प्रूफ है, टेंशन ना लो। हम जा रहे हैं अभी, हम बाइक चलाने लगे हैं। जी सही बैठ गए भाई साहब, चिटे हो गए वैसे। इतना टाइम क्यों लगाया है? बस लगे हैं, काम लगे हैं। अच्छा ठीक है, ओके। वो यूट्यूबर है ना, उसी काम लगा हुआ था। चलते हैं जी। तो हम कैन खाली कर रहे हैं, राणा साहब के घर दे आए हैं। इधर साहब बैठे हैं पीछे बड़े आराम सुकून से, सोशल पर कैसे तुम सोशल वर्क करके घर जा रहे हैं। अभी हम रास्ते में ही हैं, तो जा रहे हैं मौज मस्ती करते करते। आज किधर भाई बड़े सुकून है, आज नहीं ब्लॉग मेरा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है लास्ट दो तीन ब्लॉग आप किधर भाई बनाते हैं, सब कुछ यही करते हैं। पीछे बैठा हुआ आज कीड़ा देख देना जी, आज नहीं वो बोल रहे जी। ये रास्ता बहुत, इस रास्ते में यादें वाबस्ता है इस रास्ते से मेरी, और दूसरा इस तरफ गंदम है। ये रास्ता सलमान भाई आधा आपने तोड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं सही बात कर रहा हूं। 3-4 साल लगातार ये बंदा आता रहा इसी रोड पे है। आधा तो इसने तोड़ा, आधा मैंने तोड़ा है, क्योंकि मैं इसको लेने आता रहा। तो ये सारी इधर गंदम है रोई जमीन की, इधर बारिशें हो जाती हैं और ये सारी गंदम तबाह बर्बाद हो जाती है। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह भी जो गंदम की फसल है ना वो सही है, क्योंकि इतनी बारिशें नहीं हुई, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये पानी जज़ब नहीं करती अपने अंदर, और पानी बिल्कुल सतह ज़मीन के ऊपर रहता है, और जो ये गंदम की फसल को इतना पानी चाहिए नहीं होता। नक्काशी के लिए इधर कुछ लिया भी नहीं है, लेकिन ये ऊपर से निकाला है एक नाला, ये सजादे शहजादे वालों ने, लेकिन इस जमीन से भी एक निकलना चाहिए ताकि ये फसल बच जाए, लेकिन हमारे में कुछ लोग हैं वो इसको बनने भी नहीं देते ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, इतना बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा ही गांव है। एक देखें अभी हम इंटर हुए, और इस गांव की एक ही खासियत है कि इधर हर बंदा मिस्त्री प्रोफेशनल ओनरमैन है, प्रोफेशनल ओनर उनके पास। ये बहुत सब खड़े हैं, पहुँचाए हैं इधर चुंडा में ना, जिधर एकेडमी होती है कोरिया की लैंग्वेज के लिए। तो घर के सारे काम जो थे वो निपटाए, 3:30 के टाइम इधर एकेडमी का। मेरा तो आज पहला दिन है, पहली दफ़ा इधर आ रहा हूँ। जो दूसरे कासम भाई साहब हैं वो कल भी आए थे, मैं आज तो पहला दिन है, अभी देखते हूँ इधर क्या एक्सपीरियंस रहता है। बाइक्स बहुत ज़्यादा पीछे आपको नज़र आ रही हैं खड़ी है, लगता है बहुत ज़्यादा लड़के आए हुए हैं इधर एकेडमी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लड़कों के नाम निकले हुए हैं वो कुरानदाजी में, तो वो सारे लैंग्वेज सीखेंगे इधर से कोरियन। और ये चले जिधर जिधर भी नसीब, जिसका भी रोज़ी का लगा होगा उधर वो जाएगा कमाएगा, लेकिन कोशिश तो सारे करते हैं ना अपनी तरफ से कि हम कोशिश करें हमारा हो जाए हमारा हो जाए। इसी कोशिश में आज हम भी आ गए। चलिए वैसे हम तो पहले भी दुबई थे, इधर भी हम देख लेते हैं, जब तक हम इधर छुट्टियों में गुजार रहे हैं तब तक ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, वापस दुबई चले जाएंगे। अगर तो कुछ इधर से बन गया तो फिर ना बना तो उधर ही। सब ले रहे हैं क्लास, ये आज पहला लेक्चर हुआ, बेसिक लैंग्वेज सिखाई गई है आज हमें कोरियन की। सारे भाई आप देख रहे हैं वो सीख रहे हैं, लेक्चर हो गया और अभी बस थोड़ा वो पिक बना रहे हैं, और इस तरह हम घर पहुंच चुके हुए हैं। तो कल फिर दोबारा दूसरा लेक्चर लेने जाना, अब डेली जाना करना था लेक्चर लेने। तो आज की जो वीडियो हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान।